हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडीज क्विक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी, जो आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिरयानी बनाने के लिए पहला स्टेप होगा कि हमें चावल को भिगो के रखना है तकरीबन आधा घंटा। तो हमने यहाँ बासमती चावल ले लिया है आधा किलो, उसको हम भिगो के रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे। आधे घंटे तक भिगो के रखने के बाद हमें बासमती चावल को जो है बनाना है। तो बासमती चावल को हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम पानी में डालेंगे 2 तेज पत्ते, थोड़ा सा साबुत जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, दालचीनी और 3 से 4 लौंग। इन सबको हम पानी में डाल के अपने चावल को जो है बॉईल करेंगे। इसी बॉईल चावल में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और 1-2 बूंद तेल के, ताकि चावल थोड़े खिले खिले हों। सेकेंड स्टेप में हमें एक पैन में तेल को गरम करना है बरिस्ता बनाने के लिए। तो उसके लिए हम तेल को गरम कर लेते हैं। यहाँ हमने 4 प्याज को स्लाइस कर लिया है, बारीक लंबा लंबा काट लिया है। इसको अब हम पैन में गरम तेल में फुल फ्लेम में फ्राई करेंगे। प्याज को बीच बीच में हिलाते रहिए। बरिस्ता बनाने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सारी प्रिपरेशंस आप बिरयानी बनाने से पहले आपको करके रखनी पड़ेगी। अब हमारे ये ऑनियन जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको एक्सेस तेल से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेन करके इसको हम निकाल लेते हैं। बरिस्ता रेडी है, इसको हम साइड में रख लेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे चिकन की मैरिनेशन में और लेयरिंग में बिरयानी की। अब हमें उसी पैन में, हमने आलू को हाफ काट के रखा है, इसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। क्योंकि हम बंगाली स्टाइल चिकन बिरयानी बना रहे हैं, तो उसमें आलू और बॉयल्ड एग्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नहीं चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए डालेंगे उसमें अदरक, खूब सारा लहसुन और साथ ही डालेंगे बरिस्ता या ऑनियन फ्राई जो हमने करके रखे थे। यहाँ हम हाफ यूज़ करेंगे और हाफ हम रख देंगे लेयरिंग के लिए। इन सबको हम एक पेस्ट बना लेते हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। आधे किलो बिरयानी के लिए, मतलब आधे किलो चावल हमने यूज़ किया था बिरयानी में, तो आधा किलो ही हम चिकन लेते हैं। अब इसमें हम ये पेस्ट को डाल देंगे जो हमने अदरक लहसुन और प्याज का बरिस्ते का पेस्ट बनाया था। इस पेस्ट को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हमने डालना है इसमें लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हमारा बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला हमने घर में ही बनाया है। इसमें है चक्रफूल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च। इन सबको हमने भून के मिक्सी में पाउडर बना लिया है।
चुकी हूँ। यहाँ हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला डालेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें दही, तकरीबन 1 कप के करीब दही डाल देंगे इसमें हम। इसमें हम नमक, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स करके 1.5 से 1 घंटे तक हम इसको मैरिनेट करेंगे। जितना ज़्यादा देर ये मैरिनेशन में रहेगा उतना ही ज़्यादा फ्लेवर जो है एनहेंस होगा। अब हमने उसी पैन में थोड़ा सा और तेल डाल के तेल को गर्म कर लिया है। अब हमारा ये जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसको 1/2 घंटा हो चुका है। अब इस मैरिनेटेड चिकन को हम इसमें डाल देंगे। इसे हमें मीडियम आंच में पकाना है। थोड़ी देर तक मीडियम आंच में पकाने के बाद इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम में 1/2 घंटे तक ढक के छोड़ देंगे ताकि सारे चिकन के पीसेस सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से गल जाए। अब हम देखेंगे कि हमारा चिकन भी तैयार हो गया है। चिकन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और सारा मसाला अच्छे से पक गया है। इस टाइम हम अपनी बिरयानी को लेयर कर सकते हैं। सारी चीज़ें रेडी हैं। एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। ये हमारा चिकन तैयार है। यहाँ हमने आलू जो फ्राई करके रखे थे वो है, बरिस्ता है, 2 बॉयल्ड एग्स ले लिए हैं हमने, और यहाँ हमने केसर वाला दूध जिसमें हमने केसर भिगो के रखा था वो भी रख लिया है, थोड़ा सा फूड कलर ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर जो भी आप चाहें वो भी हमने रख लिया है। तो आइए अब हम इसको लेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो लेयर करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। एक बड़ी से बर्तन लेना है हमें, बड़ा सा हांडी या कोई भी पतीला जो भारी तले का हो। घी डालने के बाद हम फर्स्ट लेयर में चिकन के मसाले को डालेंगे। सारा एक बार में नहीं डालना, स्टेप बाय स्टेप डालना है। उसके बाद हमने एक लेयर बनानी है राइस की। एक लेयर हम राइस डाल देंगे इस पे। इसके बाद डाल देंगे हम बॉईल किए हुए आलू, थोड़ा सा बरिस्ता, हमारे बॉईल किए हुए एग्स, साथ ही हम डालेंगे बीच बीच में थोड़ा सा फूड कलर, और ये हमारा केसर वाला दूध। हम दोबारा अपना चिकन का ग्रेवी डाल देंगे सारा। वही लेयर बनाए हैं क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 3 से 4 लेयर भी डाल सकते हैं। हम बचा हुआ चावल डाल देंगे और एक पतली चावल की लेयर इसके ऊपर हम बिछा देते हैं। इसके बाद हम दोबारा डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू, बॉइल्ड एग और बरिस्ता।
से चार साबुत हरी मिर्च, अब ये हमारी लेयरिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसको सील टाइट पैक करना है। उसके लिए हम थोड़ा सा आटा लेंगे, इसको पतला सा बना लेंगे और ढक्कन की चारों तरफ कुछ इस तरह से हमें इसको लगा देना है, ताकि बिल्कुल सील दम बिरयानी बनानी है तो अच्छे से दम लगा सके। ये हमारा लिड है, हांडी का जो है ढक्कन है, इसकी चारों तरफ हमने इस तरह से आटा लगा दिया है ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये अच्छे से सील टाइट बंद हो सके। तो ये हमने लेयरिंग कर ली है। अब हम इस हांडी को अच्छे से जो है आटे के मदद से चारों तरफ से दबा के प्रेस करके सील पैक कर देंगे और इसको अब हम दम में रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में। 15 मिनट दम देने के बाद हम अपने बिरयानी को खोल के चेक कर लेते हैं। अब हमारा बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको गरम गरम सर्व करें रायता और सैलेड के साथ। अपनी बिरयानी को एंजॉय करें और हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।